क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजर रही है। किसी का परिवार का सदस्य चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जमीन चले गई, किसी की पशुशाला चले गई, पशु चले गए, बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इस त्रासदी के दौरान। और ऊपर से सरकार ने घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया है ग्रामीण क्षेत्र में, उन लोगों को हम 5,000, जिन लोगों का घर चला गया है उनको 10,000 रुपये किराया देंगे। मैंने जानकारी हासिल की, अभी तक कहीं भी न ग्रामीण क्षेत्र में और न ही शहरी क्षेत्र में उन लोगों को इस रूप में राहत दी गई। वो लोग अब कुछ लोग यहां तक के टेंटेड अकोमोडेशन में रहते। जब जो चीज नहीं कर सकते उसके बारे में कहना उचित नहीं होता है। और बार बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है ये घोषणाएं किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, और झूठ की एक लिमिट होती है। लेकिन ऐसे में विशेष तौर से जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं जो परिवार, उनके साथ इस प्रकार की राजनीति करना वो उचित नहीं है और ये बहुत अमानवीय व्यवहार है एक तरह का, मैं कह सकता। सर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हिमाचल से कांग्रेस की हवा चली है और आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव है वहां पर नेता प्रतिपक्ष तो मैं खड़ा हूं, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सर मुकेश अग्निहोत्री पूर्व नेता प्रतिपक्ष सरकार में भी वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ही निभा रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। लेकिन चलो ख्याल जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन राज्यों में चुनाव है अभी उचित नहीं है वो सारी चीज को लेकर के कहना। मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान में एक तरफा विषय है, भाजपा की सरकार बन रही बहुत बड़े बहुमत के साथ बन रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले 18 वर्षों से सत्ता में है और 18 वर्षों के सत्ता में रहने के पश्चात अगला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी को वहां निश्चित रूप से मिलने वाला है। और इसी प्रकार से जिन जिन राज्यों में है भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सरकारें बनाएगी, जहां तक छत्तीसगढ़ की भी, छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बहुत जबरदस्त खड़ा हुआ है और उसमें सरकार को काट फेंकने के लिए कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग बागी होकर के वहां पर बगावत कर रहे हैं। ऐसे में मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत जोरदार ढंग से सारी कैंपेन को चला रही है, केंद्रीय नेतृत्व सारी चीज को लेकर के बहुत गंभीरता से ले रहा है। वैसे भी चुनाव को पार्टी गंभीरता से लेती है और जीत होगी निश्चित होगी। सर, वाटर सेस उसमें भी जो है उन्होंने बयान दिया है कि जो केंद्र से जो पत्र लिखा है वो राजनीतिक प्रेरित है, उसमें राजनीतिक है, उसमें जो सुझाव पत्र लिखा है और हिमाचल उसको लिखे, वो पत्र जो है वो हिमाचल के लिए ही नहीं, वो उत्तराखंड के लिए भी पत्र आया है और जम्मू कश्मीर के लिए। और इस बात को उनको समझना चाहिए कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं के कहने के ऊपर, उनकी डिक्टेशन पर काम करेगी ऐसा नहीं। केंद्र ने जो नियम है, जो प्रावधान है मिनरल एंड माइंस के, उसके अनुरूप जो है वो अपना पत्र लिखा है और उनको कहा है, वो अगर उनको कुछ कहना है तो लिख करके भेजे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस के लिए कमीशन बना दिया, लाखों रुपए प्रति महीने के उसमें जो अपॉइंटमेंट की है उस पर खर्च हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके काम अभी तक कुछ किया नहीं है लेकिन लाखों रुपए खर्च हो रहा है। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं हो पाया है। जिन राज्यों ने किया भी है उनको भी बहुत बड़ा कोई लाभ हुआ है ऐसा नहीं है, और वैसे भी मामला लिटिगेशन की दिशा में बढ़ा। सर, पर्यटन पे बड़ा असर हुआ है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज पूछताछ हो रही है, इनके ईडी ने उन्हें जो है एक मंत्री पे दिया, सर क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैंने इस बारे में बड़ा स्पष्ट पहले कर दिया है कि देखिए, जिस पार्टी का निर्माण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के आंदोलन के साथ, बहुत बड़ी उम्मीद थी कुछ लोगों का कि शायद ये पार्टी थोड़ा हट करके, और वो कट्टर ईमानदार ऐसी बातें कहते थे, आज भ्रष्टाचार में ही वो पार्टी दफन होकर के समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही है। सर, पर्यटन पे असर पड़ा, उस पार्टी के नेता डेप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके हेल्थ मिनिस्टर जो है पुरम में रहे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, आज मुख्यमंत्री से ईडी की
जो है वो जांच के लिए उनको बुलाया गया है और स्वाभाविक रूप से ईडी तभी बुलाती है जब कोई साक्ष्य उनके पास होते हैं। सब जब कुछ बातें ऐसी होती है वो गंभीर प्रकृति की होती है, गंभीर नेचर की होती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि एक पार्टी का निर्माण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए साथ होता है और भ्रष्टाचार के इसमें दलदल में इस तरह से वो संलिप्त हो गई कि एक छोटे से कार्यकाल में ही वो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ करके रहेंगे। असर पर्यटन पे असर पड़ा है हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है और सरकार ने जो बाहरी राज्यों से टेम्पो ट्रेवलर या बसेज आती थी उन पर टैक्स बढ़ाया है। अब जो टैक्सी यूनियन है चंडीगढ़ की, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है इस निर्णय को तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश नहीं आएंगे, पर्यटकों को लेकर नहीं आएंगे। आपको आपका क्या स्टैंड है, क्या मानते हैं कि सरकार ने ये गलत डिसीजन लिया है, नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश को होगा पर्यटन के लिए? एक बात आपको मान के चलना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल स्तर के इसमें, और जहाँ हिमाचल प्रदेश में हमको रोजगार के लिए अगर कोई जरिया अगर मिलता है नौजवानों के लिए, वो टूरिज्म सेक्टर एक है जो बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करता है और आय का जरिया भी टूरिज्म बहुत बड़ा एक जरिया है हिमाचल प्रदेश में, और उस सेक्टर में इस प्रकार की वो करना, जो खासतौर से जो गाड़ियों पर, बसों पर और दूसरी गाड़ियों पर जो टैक्सीज इम्पोज किए हैं, तो उसके कारण टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आए गए। मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 दिन पहले जम्मू था और जम्मू कश्मीर में हालात इस कदर के हैं कि पूरा भरा हुआ टूरिस्ट से। वो कारण है कि भाई ऐसी चीजें जब करेंगे आप तो हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट क्यों आएगा और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है तबाह होगी। आप करिए, ऐसे सेक्टर को पकड़िए जहां आपको टैक्सीज लगाने हैं, जहां जिससे हिमाचल प्रदेश के भविष्य पर जो है वो नुकसान ना हो, इस बात को सोचना चाहिए। थैंक यू सर।